अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अखरोट से। तो जो है अखरोट बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी होता है और आपको फिट भी रखता है और एक बहुत अच्छा स्नैक है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है। और स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे भी अखरोट के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, अखरोट की चाय भी बनती है और अखरोट का सालन भी, वो फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वक्त तो मैं एज़ अ स्नैक अखरोट को यूज़ कर रही थी और आप लोग भी कहते होंगे कि जी गर्मियों का सीज़न और ये अखरोट खा रही है, लेकिन ये जो है मेरा एक फेवरेट जो है ड्राई फ्रूट है और मुझे कहीं से नज़र आ जाए तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। साथ में मैंने रेडी किया था इंस्टेंट कहवा यानी ग्रीन टी। और एज़ यूजुअल जो है कंप्यूटर पे मैंने ड्रामा डाउनलोडिंग के लिए लगा दिया था, क्योंकि रात को हम लोगों ने देखना होता है ड्रामा, और जब तक ड्रामे के एपिसोड्स जो हैं वो ब्राउज़ करके जो है मैं डाउनलोडिंग पे लगाती हूँ तो थोड़ी बहुत स्नैकिंग होती है। और अखरोट के फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको जो है इसके खाने के बाद इतनी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो खेल रही थी कि ये देखो टी बैग से जो है उसकी जो धागा है टी बैग का उसके ज़रिए किस तरह पानी बाहर आ रहा है। और फिर हम लोगों ने इंजॉय किया था सागुदाना, बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी होता है। पापा के लिए बनाया था, आजकल उनका स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर एक बाउल में अपने लिए भी ले आई थी। सागुदाना एंजॉय करने के बाद आ गई थी किचन में और यहाँ पर जो है मैंने मिक्स सैलेड बनाया था। और आप लोग हैरान होंगे कि मिक्स सैलेड के अंदर जो है मैं मिर्चे लहसुन अदरक क्यों डाल रही हूँ। तो असल में रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं स्नैकिंग, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, ठीक है, और एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती है जिसकी वजह से बैठे बैठे वेट गेन हो जाता है और बॉडी में फ़ैट की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वेट लॉस और फैट कटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और बाद दफ़ा मेरी सिस्टर जो है ये रॉ जिंजर गार्लिक नहीं खाती है, तो मैंने जो है एक तरीका निकाला और इसको सैलेड में मिक्स कर दिया। तो उसको मैंने कहा कि अब इसमें से निकाल के दिखाओ, तो वो हंसने लग गई, कहती है लो अब इसमें से मैं कैसे निकालूं, ऐसा करो आप मुझे जो है इसके साथ राइस बना दो, उसमें मैं मिक्स करके खा लूँगी। तो खैर किसी ना किसी तरीके से जो है हमारी कोशिश होती है कि रॉ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को जो है अपनी डाइट में ऐड रखें, ताकि ये जो है हमारा एक्स्ट्रा फैट बढ़ने ना दें बॉडी के अंदर और उसको ये कंट्रोल में रखें। तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ें हैं, इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं वेट लॉस के उससे। और इसके सैलेड जो है ये मेरी रूटीन में होता है कि वीक में 2 या 3 दफ़ा जो है ये मैं मिर्चों वाला सैलेड लाजमी बनाती हूँ। तो आप लोग भी हैरान होंगे कि ये कितनी अजीब कुकिंग करती है। तो भाई हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है और ये मेरा स्टाइल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ कि ये मेरा जो है कुकिंग का स्टाइल है। और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी दही चिकन। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 2 घंटे के लिए और काफ़ी अच्छा सा इसका कलर आया था। और इसके बाद जो है इसका मैंने किया था कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो है मैं इंस्टेंट कुकिंग करूं और हेल्दी कुकिंग करूं, क्योंकि घर में जो है 3 किस्म के खाने बनते हैं। भाई के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता है, अदरवाइज़ वो जो है शॉप पर ही जो है होटल से मंगवा के खाना खा लेता है, तो उसकी कुकिंग की आजकल मुझे इतनी फिक्र नहीं है। और मम्मी पापा वो परहेज़ी खाते हैं, दही दूध इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी डाइट में, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि इनको जो है ज़्यादा स्पाइसी खाना आपने नहीं देना है, एज फैक्टर है और थोड़ा सा स्टमक का भी इशू है। तो मैं और सिस्टर होते हैं तो हम अपने लिए कुछ भी बना लेते। तो यहाँ पर जो है चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था और इसमें जो है रेड चिली ऐड करने के बजाय मैंने की ग्रीन चिली। तो आप लोग भी हैरान होंगे हर चीज़ में ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। कुछ अर्सा पहले जो है कंट्रोवर्सीज आई थी ब्लैक पेपर और रेड चिलीज़ के हवाले से कि ये लोग फेक बना रहे हैं लाहौर में, और रेड पेपर पाउडर में जो है ये बुरादा ऐड करते हैं, और जो ब्लैक पेपर है ये पपीते के बीज और फिर रेत मिक्स करके उससे नकली बना रहे हैं। तो इस चीज़ों से जो है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने ये चीज़ एक्सक्लूड कर दी थी। तो मैंने कहा बंदा हरी मिर्चें खा ले,
ये तो पता है ना कि कुदरती तरीके से खेत में उगी हुई हैं और इनको अभी तक किसी ने नकली नहीं बनाया। तो इस वजह से जो है मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली थी रेड चिलीज़ को एक्सक्लूड करके। और खाना खाने के बाद जो है मैंने तैयारी करनी थी चुकंदर के सालन की। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, तो अब आप ये कहेंगे कि ये इतनी जल्दी जल्दी ऐसे कैसे बनता है, तो वही मैंने जो है वीडियो को कर दिया है थोड़ा सा फॉरवर्ड। लेंथी प्रोसेस होता है और मैं एक ही दफ़ा इसको बना के रख लेती हूँ 3 to 4 portions, और बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होता है स्पेशली वुमेंस के लिए जिनकी बॉडी में पेन हो रहती है, ब्लड डेफिशिएंसी है और काम की उनको ज़्यादा थकावट होती है। तो वो जो है अपनी डाइट में चुकंदर को ऐड करें किसी भी तरीके से, चाहे चुकंदर का जूस पिएं, उसको सैलेड में खाएं, या उसका सालन बनाएं, या उसके पराठे बना लें, उसके कबाब बना लें, कोफ्ते बना लें, हर तरह से जो है आप चुकंदर को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं चुकंदर के सालन के अलावा और क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, तो इनबॉक्स में कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो है इसका मैंने मसाला तैयार कर लिया था, और उससे पहले ही मैंने जो है 1/2 kg चुकंदर और 1/2 kg जो है चाइना कैरेट्स को स्टीम करके रख लिया था। तो ये इस तरह के काम होते हैं कि पहले से प्रेप कर लो तो आपके जो कुकिंग के स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत मज़े का ये सालन बनता है, सभी घर में शौक से खाते हैं, मम्मा को भी मैं खिला देती हूँ, लेकिन उनको जो है मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं ऐड करती हूँ ग्रीन चिलीज़ हैं तो फ़ायदा मंद, लेकिन एज फैक्टर है तो उनको मैं ज़्यादा चिलीज़ नहीं खिलाती। तो यहाँ पे इसको मैंने मसाले के अंदर स्टीम होने रख दिया था, ये रेडी हो गया था, और इसको जो है मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। सिर्फ इतना मैंने पैन में रहने दिया था जिसको मुझे फ़र्दर रेडी करना था खाने के लिए। और इसमें फिर मैंने शामिल कर दी थी स्टीम्ड चिकन, ये मैं पहले से स्टीम्ड करके रखती हूँ चिकन, यानी यखनी निकाल लेती हूँ, वो मम्मी और पापा को उससे मैं खाना दे देती हूँ, मतलब रोटी तोड़ के यखनी में, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और उसका जो चिकन होता है वो फिर इस तरह जो है मैं खानों में शामिल करती हूँ, तो कन्वीनियंट भी होता है और बजट में भी आ जाता है। तो ये जो है चुकंदर का सालन मज़े का रेडी हो गया था। इसको मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ जो है चुकंदर और चिकन शेयर किया, इसको मैं फ़िश के साथ बनाती हूँ, अंडों के साथ बनाती हूँ, ठीक है, और चनों के साथ बनाती हूँ। तो मतलब डिफरेंट वैरायटी से बंदा जो है बिल्कुल भी बोर नहीं होता कि जी वही रूटीन की हम सब्ज़ी खा रहे हैं। और जब से मैंने अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल की हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी सेहत पर इफ़ेक्ट हुआ है, मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है, नेगेटिव नहीं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्टमक मेरा हेल्दी हो गया, खाना हज़म होता है, और जो है मेरी स्किन भी ग्लो करने लग गई है। क्योंकि चुकंदर जो है ये आपकी ब्लड डेफिशिएंसी को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि आपका जो ब्लड है उसको भी प्योरीफाई करता है। तो जो है जब ब्लड प्योरीफाई होता है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन जो है वो वाइट होना शुरू हो जाती है, यानी उसमें ग्लो और फेयरनेस आ जाती है। और यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ काट के उसके सामने रख देती हूँ, और मैं कहती हूँ ये ना अब ख़राब हो रहा है, इसके अंदर बैक्टीरिया जा रहा है, ये काला पड़ा, अब तो आपको खाना पड़ेगा। और वो कहती है कि अच्छा चलो मैं खा लेती हूँ, अब चीज़ तो मैं ज़ाया नहीं कर सकती, अगर मैं ज़ाया करूँगी तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा कि जी मेरी दी हुई नेमत की इसने कदर नहीं की और इसको ज़ाया कर दिया। तो अगर आपके घर में भी कोई फ्रूट नहीं खाता है तो उसको किसी ना किसी तरीके से फ्रूट लाजमी खिलाएं, क्योंकि ये जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बीमारियों से लड़ने में जो है बॉडी को ताकत देता है, यानी जर्म्स एकदम जो है आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करता है जब फ्रूट आपकी डाइट के अंदर शामिल होता है। और इसी तरह सैलेड भी है, तो रॉ सैलेड खाएं, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं और वो इफ़ेक्ट करती हैं एकदम कमज़ोर लोगों पे, तो सेहत ज़रूरी है और सबसे पहले सेहत की बात। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होती नए वीडियो नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।